क्वेश्चन की वन है वन बाय कॉसेक थीटा प्लस वन बाय सेक थीटा इज रूट टू फाइंड करना है तो वन बाय कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा और सेक को लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट टू इक्वेशन नंबर वन स्क्वेयरिंग यू नो हो बोथ साइड तो ऐसा इसका स्क्वायर लिखा और ये आपका स्क्वायर लिखा है तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया आपका टू साइन थीटा कॉस थीटा इज टू अब क्वेश्चन में आपको ये चेक करना होगा कि सपोज साइन स्क्वायर थीटा आपको ये इस तरह से गिवन है ओके okay, तो क्या हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को वन लिख सकते हैं येस वी कैन राइट इट इक्वल्स टू तो टू टू को इधर वन को शिफ्ट किया तो ये कितना हो गया वन हो गया क्या अब आपको यहाँ ये थोड़े से ये लॉजिकल क्वेश्चन है क्या वन को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं मैं टू को यहीं रख रही हूँ मैं इस साइन थीटा कॉस थीटा को शिफ्ट कर रही हूँ इंडिविजुअली डेनोमिनेटर साइड में साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इज साइन थीटा थीटा तो ये कितना आ गया आपका साइन थीटा बाय कॉस् थीटा एंड कॉस् थीटा बाय साइन थीटा ये टू है तो आप देख सकते हैं आंसर आपका टू के इक्वल आ रहा साइन कॉस कॉस साइन तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है